इस वीडियो में हम बताएंगे अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत माताएं रखती हैं, जिसमें निर्जला उपवास रखने का विधान है। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं अहोई अष्टमी को संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है, इसीलिए 5 नवंबर को माताएं यह व्रत करेंगी और तारों का उदय होने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत तोड़ेंगी। दीपावली की पूजा से 8 दिन पहले पड़ने वाला यह व्रत उत्तर भारत की महिलाएं सबसे ज़्यादा करती हैं। इस दिन बच्चों की अच्छी सेहत, सुंदर भविष्य और दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला उपवास करती हैं। आइए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन महिलाओं को कौन से कार्य करने की मना होती है। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आरंभ 4 नवंबर को आधी रात के बाद 12:59 पर होगा, यानी कि 5 नवंबर की तिथि का आरंभ हो जाएगा और इसका समापन 5 नवंबर को आधी रात के बाद 3:18 पर होगा। इस तरह उदय तिथि के नियमों के अनुसार महिलाओं को अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:33 से 6:52 तक रहेगा। उसके बाद पूरा दिन व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ पाएंगी। अहोई अष्टमी पर बने हैं ये शुभ योग। अहोई अष्टमी पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ योग में व्रत करने से महिलाओं को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और उनके बच्चे सदैव सुखी, संपन्न और दीर्घायु होते हैं। बच्चों की इन सभी इच्छाएं अहोई माता पूर्ण करती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह व्रत रखने वाली महिलाएं जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर शुभ दिशा देखकर दीवार पर अहोई माता का चित्र बना लें और यदि चित्र नहीं बना सकते हैं तो बाजार से चित्र लाकर दीवार पर लगा दें। उसके बाद शाम को अहोई माता की पूजा करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। फिर व्रत कथा पढ़ें और फिर तारों के निकलने की प्रतीक्षा करें। फिर तारों को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध भात का भोग लगाना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए। अहोई अष्टमी पर व्रती महिलाओं को कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। पहला, अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ ना दें। अर्घ देने के लिए स्टील या फिर चांदी के लोटे का प्रयोग करें। दूसरा, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात के समय में भी जागकर भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। तीसरा, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा ना करें और ना ही किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें। अहोई माता सभी माताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनके बच्चों को स्वस्थ,
रखें और लंबी उम्र प्रदान करें।